हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना लेन से निवी के हाथों को बांध दिया था और वो उसे ले जाकर काउच पर धक्का दे देता है। तब वी कहते हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेन से तो अब अपने केबिन में कुछ ढूंढने लगता है। वी बस उसे ऐसा करते हुए देख रहा था और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेन से को वो चीज मिल जाता है जो ढूंढ रहा था और वो एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स को वो खोलता है। वी जब उस बॉक्स का सामान देखता है तो वो कहता है, तुम अपनी कैबिन में इस तक की वाहियत चीज़ों को कैसे रख सकते हो। तब लेन से कहता है, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था और मैंने इसे यहीं रख दिया था। और वो अनपैकिंग करता है। फिर वो वी के लेग को अपनी गोद में रखता है और उसकी शूज निकाल रहा होता है और उसके फेंक देता है उसके शूज को और फिर उसकी पैंट उतारने लगता है। ये देख कर वी कहता है, हे तुम यहाँ ये सब नहीं कर सकते हम यहाँ पर। वो ऐसे कहने लगता है और लेंसन को किक करने की कोशिश करता है, पर लेंसन तो उसके पैंट को पूरा खींच देता है। फिर वो उसे नेकेड भी कर देते हैं। वी तो अपनी आंखें बंद टाइटली बंद कर देता है। उसे फिर कुछ फील होता है। वो अपनी काम खोल कर देखने लगता है लेंसन आखिर कर क्या रहा है। लेंसन तो अपना काम करने के बाद वी को पूरी पैंट फिर से पहना देता है। वी कहता है, तुमने उसे मेरे अंदर इस तरह से उसे फिट क्यों किया। लेंसन तो वाइब्रेटर मोड को ऑन कर देता है। तब तो वी को एक्सट्रीमली प्रेजर फील होता है। लेंसन तो उसे काफी हाई मोड पर ऑन कर देता है। तब वी थोड़ा हैवी ब्रीथिंग लेता है और वो बस लेंसन को देख रहा था। लेंसन तो वहां से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और वो अपनी फाइल देखने लगता है। और वही वी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, वो खुद को टच करना चाहता था पर लेंसन ने तो उसके हाथों बांध दिया था। वो काउच पर लेटा हुआ था और वो मॉर्निंग कर रहा था। वो ज़्यादा आवाज़ें ना करे इसलिए वो काउच पर अपने फेस को दबाने लगता है। लेंसन ने तो वाइब्रेटर को काफ़ी हाई मोड पर रखा था और वी थोड़ी देर तक तो इस प्रेजर को सह पाता है। फिर वो कहता है, हे लेंसन, तो क्या तुम इसे थोड़ा मीडियम नहीं कर सकते। मैं इसे और नहीं झेल सकता। तुम आखिर चाहते क्या हो। तब लेंसन उसे बिना देखे कहता है, मैं बस तुम्हें पनिश करना चाहता था और ये तुम्हारी पनिशमेंट है और इसका अमाउंट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। ये सुनकर वी कहता है, प्लीज इसे रोक दो। वी तो बस हाँपने ही लगा था और वो बस लेंसन को देख रहा था। लेंसन तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और वी था जो लेंसन को देख रहा था और वो सोचता है, इस चीज़ की जगह लेंसन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं उसे चाहता हूँ। और वो चिल्लाकर ये कहता है, काश तुम उस जगह होते, मैं तुम्हें अंदर फील करना चाहता हूँ, तुम बेस्ट हो हबी, प्लीज। ये सुनकर लेंसन अपनी फाइल को छोड़ वी की तरफ देखने लगता है। वी तब फिर कहता है, मैं सेक्सी हस्बैंड के होते हुए मैं इन चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, ये कितनी शेमफुल बात है, क्या तुम मुझे प्यार करना भूल गए हो। वी ये जानबूझकर कह रहा था ताकि लेंसन उसे वाइब्रेटर से छुटकारा दे दे। लेंसन को तो ये सुनकर ही अच्छा लगा। वी ने उसे सेक्सी हस्बैंड कहा और उसके ईयर थोड़े पिंक हो गए और वो उठकर वी के पास जाने लगा। वी उसे देखकर अपने लिप्स लिक करने लगा, अपने लिप्स को बाइट करने लगा। लेंसन आकर काउच में बैठता है। तब वी अपनी पैरों से लेंसन के प्राइवेट पार्ट को टच करता है और कहता है, हबी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, मेरे हाथों को खोल दो। लेंसन तब कहता है, मैं चाहता हूँ तो मुझे आई लव यू बोलो, वो भी उतने बार जितने बार मैंने तुम्हें कहा है। तब वी कहता है, मुझे याद नहीं है तुमने मुझे कितने बार कहा है। तब लेंसन कहता है, फिर तो तुम तब तक कहते रहो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। और वैसा कहकर गुस्से में फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तब वी कहता है, हाँ मैं कह रहा हूँ, बस इसकी मोड को लो कर दो, मैं कह रहा हूँ। तब लेंसन मीडियम मोड पर कर देता है और इशारा करता है, बोलना शुरू करो। और वी फिर बोलना शुरू कर देता है, आई लव यू टू। तब लेंसन कहता है, थोड़ा प्यार से मुझे फीलिंग आना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए, तुम कितना मुझसे प्यार करते हो मुझे बताओ। वी तब गुस्से में अपनी दांत पीसने लगता है, वो तो काफ़ी इरिटेट हो रहा होता है। वी को कुछ भी ना बोलता देख लेंसन उसे हाई मोड पर कर देता है। तब वी चिल्लाता है, आई लव यू, आई लव माई हस्बैंड, आई लव यू लच्चा, आई एम ओनली फॉर यू। ये सुनकर तो लेंसन खुश हो जाता है और उसने मोड को मीडियम कर दिया था और वो वी को कंटिन्यू होने के लिए कहता है। वी तो कंटिन्यू से इन वर्ड को रिपीट करता है
और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और पिछले एक घंटे से ऐसे ही बकबक कर रहा था। और उसने लैंसन को 99 बार आई लव यू कहा था और फिर वो चुप हो जाता है और वो कहता है, अब मैं इसे आगे नहीं कहूँगा, मैं थक चुका हूँ, क्या तुम अब भी खुश नहीं हो? मेरे हाथों को खोल दो। और वो खुद के हाथों को खोलने के लिए कोशिश करता है पर ऐसा हो नहीं पाता और वो काउच पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो काउच पर से गिर भी जाता है। फिर रोने लगता है, मुझे लग गई, वो इसी तरह से करा रहा होता है। तब लैंसन उसके पास जल्दी से आ जाता है और उसे उठाकर काउच पर फिर से बैठाता है और कहता है, तुम क्या शांति से नहीं बैठ सकते? मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद रिलीव कर ही देता। तब वी कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं ऐसी हो गया हूँ। और वो अपने मुँह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा होता है। लैंसन उसके हाथों को खोल देता है। तब वी लैंसन से रिमोट ले लेता है और उसे ऑफ कर देता है। उसके बाद वो अपनी पैंट उतारता है। लैंसन उसे नेकेड देखकर अपनी लिप्स लिक करने लगता है और फिर वो कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्यार करूं? वी अपनी नैरो आइज उसे दिखाता है। लैंसन कहता है, मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं तुम्हें खुद से पनिश कर सकता हूँ। लैंसन के हाथ अब वी के थाई पर थे और वो फिर वी के चिक्स में किस करता है, उसकी नेक पर किस करता है और उसे काउच पर लेटा देता है और उसकी नेक पर सक कर रहा होता है। फिर वो अपनी पैंट उतार देता है और वी के साथ इंटीमेट हो जाने लगता है। तब वी लाउड मोन करने लगता है और फिर वो लैंसन से कहता है, क्या तुम इसे फर्स्ट करोगे? वो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए वी के चिक्स रेड हो जाते हैं। लैंसन तब स्माइल करता है और वी को टेपले किस करता है और उसके बाद उसने अपना काम थोड़ा फास्ट कर दिया था। वी तो काफ़ी जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है और अपने वॉर्म लिक्विड को अपने ही ऊपर रिलीज कर देता है और वो खुद एम्बेरस हो रहा होता है। लैंसन तब उसकी अगली फेस को देखकर कहता है, इस तरह से अगली फेस बनाना बंद करो, इट्स नॉर्मल। तो वी कहता है, तुमने मुझे अगली कहा तो तुम्हें मैं अब प्रिटी नहीं लगता हूँ, वी अपनी आंसू बहाते हुए कहता है। तब लैंसन कहते हैं रोते हुए, प्रिटी कौन लगता है? तो वी और जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर लैंसन उसके लिप्स ब्लॉक कर देता है और उसके फिर पूरे फेस में किस करता है, तुम इस वक्त अभी भी प्रिटी लग रहे हो। और वो ऐसा कहकर फिर से वी के लिप्स में किस करता है, फिर थोड़ा उसे हार्ड पुश करता है और फिर 2-3 राउंड के बाद वो दोनों वॉशरूम में आ जाते हैं और शावर ले रहे होते हैं। वो दोनों शावर में भी इंटीमेट हो रहे थे। वी अपना हाथ वॉल पर रखा हुआ था और लैंसन उसे बैग से प्लेजर कर रहा होता है और उसकी बैग पर किस कर रहा था। वी तो अब खड़े भी नहीं हो पा रहा था। लैंसन को वो रुकने को कहता है। आखिरकार लैंसन जब स्टॉप इट होता है तो वी उसकी तरफ देखता है, फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो दोनों फिर से एक मेसी और वाइल्ड किस करने लगते हैं। उन दोनों के बीच कोई भी गैप नहीं था। आखिरकार जब वो दोनों पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो शावर लेकर बाहर आ जाते हैं। वी ने बाथ रोब पहन रखे थे और लैंसन अपनी टपल से खुद के बदन को पोंछता है और फिर वो अपनी न्यू क्लोथ पहन लेता है और वो वी को अपनी एक वाइट शर्ट दे देता है पहनने को, जो कि वी को फिट नहीं आ रही थी। वी की हाइट तो लैंसन के जितने थी पर उसकी बॉडी उससे ज़्यादा थिक थी। लैंसन काफ़ी मस्कुलर था और उसकी शर्ट वी के लिए तो काफ़ी लूज थी। फिर भी उसने उस शर्ट को पहन लिया पर वी के पास अब पैंट नहीं थी। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो गंदे हो चुके थे। वो लैंसन से कहता है, लैंसन मैं नीचे क्या पहनूँ? लैंसन उसकी लेग की तरफ देखता है जो प्योर वाइट थे और वो उन्हें घूरने लगते हैं। तब लैवी अपनी शर्ट को नीचे करने लगते हैं और कहता है, तुम इतना क्यों घूर रहे हो? तुमने सब देखा है फिर भी। तब लैंसन तुरंत कहता है, मैंने सब कुछ देख रखा है तो तुम छुपा क्या रहे हो? और वैसे भी मुझे मेरी चीज़ें देखने से तुम रोक नहीं सकते हो। ये सुनकर वी कहता है, बकवास बंद करो और मुझे कोई पेंट ला कर दो, मैं ऐसे कैसे जाऊँगा? तुम तो अच्छे खासे रेडी हो चुके हो और मैं? रोना बंद करो, मैंने सुयांग को कहा है तुम्हारे लिए कपड़े लाने के लिए, क्या तुम कॉफ़ी पियोगे? और वो वहाँ पर कॉफ़ी बना रहा होता है।
फिर वो जाकर अपनी चेयर में बैठ जाता है। तब वी उसके पास आ जाते हैं और उसकी गोद में बैठ जाता है। लेंसन उसे कॉफी का कप पकड़ा देता है और उसकी थाई पर अपने हाथ फेर रहा होता है। लेंसन, इधर उधर टच करना बंद करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। लेंसन उसकी चिक्स में किस करता है और वो अपनी हरकत से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा था। तो वी कहता है, लेंसन कहता है, तुम मेरी गोद पर क्यों बैठे? फिर इस पर वी अपनी नाक चढ़ा कर कहता है, क्योंकि ये सबसे अच्छी सीट है। और फिर वो अपनी कॉफ़ी पीने लगता है और कहता है, तुमने कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनाई है। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे। तभी कोई डोर पर नॉक करता है और आवाज़ें लगाता है लेंसन। तब लेंसन वी को कैरी करके उठ खड़ा हो जाता है और फिर से वी को चेयर में बैठा देता है और वो डोर के पास जाता है तो सुयांग होता है। सुयांग कहता है, क्या वी अंदर है? और वो जो बैग लाया था उसको अपने पीछे कर रखा था और वो अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा था। लेंसन कहता है, क्या दो मुझे बैग। लेंसन बैग लेकर डोर बंद कर देता है और वो वी के पास आ जाता है और कहता है, इसे पहनो। वी बैग से कपड़े निकालता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वो फुल्ली रेडी होकर बाहर आता है। फिर वो लेंसन से कहता है, मुझे भूख लगती है और मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ हॉटपॉट खाना है, आजा चलो घर चलते हैं। तब लेंसन कहता है, उसके अच्छा हम किसी रेस्टोरेंट में क्यों नहीं चलते? इस पर वी कहता है, पर मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना है, मैं रेस्टोरेंट का नहीं खाना चाहता। और कितने दिन हो गए तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं पकाया है, वी ये पाउट करके कहता है। और वो लेंसन की बाजुओं से लिपटा हुआ था। तब लेंसन कहता है, अच्छा चलो ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों तो घर आ जाते हैं और लेंसन हॉटपॉट के लिए तैयारी करने लगता है और वी किचन में उसे देख रहा होता है और थोड़ी बहुत मदद भी करता है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल में सब कुछ अरेंज करते हैं और उसके बाद वो खाने को बैठ जाते हैं। तब वी फूड का बाइट लेकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है, वाओ सो डिलीशियस। तब लेंसन खुद की बड़ाइयाँ करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा कुक है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी हर गलती को नज़रअंदाज कर देता है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है, तुम्हें तो उसे थैंक्सफुल होना चाहिए। वी जब ये सुनता है तो वो अपनी आँखें छोटी करके लेंसन को देखता है और फिर कहता है, बेशक वो आइडल हस्बैंड की तरह है और हर कोई उसका घर में जाता है, पर ये बात भी सच है, वो एक नंबर का नहायत ही घटिया बेशरम है। उसने मेरे साथ क्या किया, क्या वो भूल गया है, वो बहुत बुरा है। ये सुनने के बाद तो लेंसन दूसरी तरफ देखने लगता है। उसने तो बहुत सारे गलत काम किए थे और उसके हर गलत काम के बारे में वी को पता है, तो कभी वो वियर्ड फील कर रहा था। जब वी उसे ऐसे देखता है तो वो कहता है, फिर भी अब मैं उसे पसंद करता हूँ, पर मैं अभी भी नाराज हूँ, उसने बहुत गलत तरीका अपनाया था, पर उसने मेरी जिम्मेदारी ली और मेरी केयर की, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया है। उसके साथ लाइफ टाइम रहना ये बुरा नहीं है। तब लेंसन वी की तरफ स्माइल करके देखता है और उसे एकदम से ग्रैब कर लेता है और उसके फेस में किस करने लगता है और फिर उसके चीक से अपने चीक्स रब करता हुआ कहता है, ओह तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो। तो वी उसके फोरहेड में थोड़ा हिट करता है और फिर उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है और फिर वो उसे फूड खिलाता है और मन में सोचता है, हर कोई लेंसन के जैसा नहीं होता जो किसी की इतनी केयर करे। अब उसे समझ आ गया है, लेंसन सच में मुझसे प्यार करता है, मैं तो पहले बस यही सोचता था मैं उससे मैरिज करने के बाद सिर्फ एक सेक्स टॉय ही बनकर रह जाऊँगा, पर इसके साथ इतने देर रहने के बाद मुझे समझ आ गया ये शैतान तो है, पर जिन्हें ये पसंद करते हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है और मैं अब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो लेंसन के साथ काफ़ी स्वीट टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें एक साल बाद देखते हैं, जहाँ भी लेंसन के शर्ट के बटन लगा रहा होता है और कहता है, तुम अब मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, तुम अब मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते हो। तब लेंसन कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, ये फालतू का ड्रामा मत करो। वी उसे टाई पहनाते हुए कहता है, मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेना है, हम सभी फैमिली डिनर करने वाले हैं तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब लेंसन कहता है, तो तुमने क्या सोचा है, तुम क्या लेने वाले हो? तब वी कहता है, वैसे तो मैं सोच रहा था मैं मॉम के लिए ज्वेलरी लूँ, पर मैं कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ उन्हें, तो आज मेरे साथ तुम शॉपिंग पर चल रहे हो। लेंसन कहता है,
पर मेरी मीटिंग्स हैं। वी कहता है, मैंने तुम्हारी शेड्यूल देखी है और तुम 2 घंटे तो फ्री ही हो, तो तुम वो 2 घंटे मेरे साथ बिताओ। तब लैंसन कहता है, वो 2 घंटे मेरे रेस्ट करने के लिए हैं। तो वी कहता है, वो कुछ मैं नहीं जानता, तुम बस मेरे साथ चल रहे हो और गिफ्ट सेलेक्ट करने में मेरी मदद करना। तभी उन्हें बहुत स्वीट सी आवाज आती है जो कहता है, गिफ्ट, मुझे गिफ्ट चाहिए। उन दोनों का ध्यान लैंस से जो ऊपर जाता है जो अभी अभी सो के उठा था और वो बेड पर बैठा हुआ अपनी आंखें रब कर रहा था और उनकी तरफ देखने लगता है। लैंसन कहता है, ओ माय चाइल्ड, आ जाओ। वो ऐसा कहकर लैंस सिजेवी को अपनी गोद में ले लेता है और इसके चेक में बड़े प्यार से किस करके कहता है, डैड को बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब सिजेवी कहता है, मुझे ना बाइक चाहिए। और वो भी अपने हाथों से बाइक का हैंडल टाइप बनाता है और अपनी मुंह से आवाजें निकाल रहा होता है, ब्रुम ब्रुम बाइक की। लैंस उसे ऐसे करते देख हंसता है और कहता है, अच्छा ठीक है, डैड तुम्हारे लिए बाइक ले देंगे। तब सिजी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो लैंसन के चिक्स में किस करता है और कहता है, थैंक यू डैड, आप बेस्ट हो। और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है तो चेयर कर रहा होता है, ये बाइक बाइक, मेरे पास मेरी बाइक होगी, यस। लैंसन उसे नीचे उतारते हैं तो युवान उन दोनों के अराउंड घूमने लगते हैं, वो भी बाइक का हैंडल बनाकर। वो दोनों उसे ऐसे देखकर स्माइल किए जा रहे थे। युवान फिर वी के लेग को हग कर लेता है। वी तब उसके बारों में अपने हाथ फहराता है और कहता है, सिजवी चलो डैड को बाय बाय करो, वो ऑफिस आ रहे हैं। तब सिजवी लैंसन को बाय बाय करने लगता है। तब लैंसन कहता है, सिजवी माई चाइल्ड, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करोगे। तब सिजवी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैंसन तब वी को लिप्स में किस करता है और कहता है, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। वी के चिक्स रेड हो जाते हैं और वो कहता है, आई लव यू टू। और वो लैंसन के चिक्स में किस करता है। तब सिजवी कहता है, क्या मैं अपनी आँखें खोलूँ। तब लैंसन कहता है, हाँ बेबी खोलो, हमारा काम हो गया। और वो स्माइल करके जा रहा होता है। वी युवान को अपनी गोद में ले लेता है और लैंसन को बाय बाय करता है। और इसी के साथ हम भी बाय बाय लेते हैं। ये वाला फैन फिक्शन यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।